रेवाड़ी एडीजे शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के गुरुग्राम रेवाड़ी कार्यालय और जिमखाना क्लब को अटैच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिए हैं या तो एचएसवीपी किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा 23 अक्टूबर तक किसानों को दिया जाए, वरना एचएसवीपी के गुरुग्राम रेवाड़ी ऑफिस व जिमखाना क्लब को नीलाम करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल वर्ष 2010 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने दिल्ली जयपुर हाईवे से भिवाड़ी तक 70 फुटा रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले गुज्जर घटाल गांव के दर्जनों किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया गया था। उस समय विभाग की तरफ से एक एकड़ के हिसाब से 16 लाख रुपए मुआवजा किसानों को दिया गया था। मुआवजे की राशि से असंतुष्ट किसानों ने कुछ समय बाद ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2015 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू की कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को किसानों की जमीन का 25 लाख रुपए प्रति एकड़ जो कि ब्याज व अन्य फंड सहित 80 लाख रुपए प्रति एकड़ देने के आदेश दिए थे, लेकिन एचएसवीपी ने किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया। फिर कुछ दिन पहले ही किसानों ने एडवोकेट दिनेश कुमार लखेरा के मार्फत कोर्ट में रिकवरी का केस डाला और अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए तुरंत एचएसवीपी के रेवाड़ी गुरुग्राम कार्यालय के अलावा सेक्टर 4 स्थित जिमखाना क्लब को अटैच करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुसार 23 अक्टूबर 2019 तक अगर एचएसवीपी ने 22 एकड़ जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा ब्याज सहित किसानों को नहीं लौटाया तो फिर कोर्ट के आदेश पर अटैच की गई प्रॉपर्टी नीलाम की जाएगी। ये धारवेड़ा में 70 मीटर चौड़ा रोड जो NH8 से भिवाड़ी की तरफ मिलाता है उसके लिए एक्वायर हुई थी और उसमें 70 मीटर चौड़े के लिए 2012-10 में एक्वायर हुई थी। 15 में ऑर्डर हो गए थे कुंडू साहब की कोर्ट से और इनको देने थे 55 लाख समथिंग रुपीस विद इंटरेस्ट और आज तक इन्होंने नहीं दिए, तो काफ़ी इनके डिपार्टमेंट तक को भी पता है ऊपर तक। उसके बाद ही जब इन्होंने पेमेंट नहीं दिया तो कोर्ट ने अटैचमेंट कर दी जिमखाना क्लब रेवाड़ी, एस्टेट ऑफिसर रेवाड़ी और एस्टेट ऑफिसर हुड्डा इनका गुड़गांव, तीनों ऑफिस अटैच कर दिए। या तो ये पेमेंट कर देंगे नहीं तो इन पे लोक लगाए जाए। ये कोर्ट अभी कार्रवाई शुरू अभी है, इनको इन्फॉर्मेशन दे दी है और इनको नोटिस की कॉपी रिसीव करा दी है। अगर ये पेमेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भी कोर्ट है इनके ऊपर फर्दर एक्शन।